हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिपाली। कहते हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी और सेफ होंगे। तो आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी ना मैं सीढ़ियों पर रंगोली बना रही थी, वो बनाते बनाते मैं बीच में मार्केट चले गई, तो बस अभी मैं मार्केट से आई हूँ। मंदिर में भी एक जगह दर्शन कर लिए थे, तो ये टीका लग गया है। तो बस अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं वापस से चेंज करूँगी और फिर मेरी ना थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची थी जहाँ पर मुझे रंगोली बनानी है, तो मैं वो रंगोली बनाऊँगी। और उसके अलावा ना जो जो हम लोग जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं, मैं आप लोगों को वो सब दिखाऊँगी। तो मैं ना पहले ये चेंज करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर हम लोग चलेंगे रंगोली बनाने। तो मैंने चेंज कर लिया है और अभी मैं अपने घर के कपड़ों में आ गई हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। तो हमने ना थोड़ा सा काम कर लिया, देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा हमारे कान्हा जी के लिए फूल बंगला, ये हम लोग लेके आए थे, खाटू श्याम जी गए थे हम लोग तब लेके आए थे हम लोग। और बाकी का भी सामान निकाल लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर पूरा सेटअप करेंगे और फिर यहाँ पर ना हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग कैसा सेटअप करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए भी और दिवाली के लिए भी हम लोग यहीं पर करते हैं। तो अभी मैं फटाफट चलती हूँ और बनाती हूँ रंगोली। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर तो मैंने बना ली थी, अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर और इस साइड में यहाँ पर। तो ये बन गई इधर और इस तरफ भी और यहाँ नीचे भी। तो अभी मैंने पापा को वो लाके दे दिए हैं आर्टिफिशियल फूलों की डट जो हम लोग दिवाली पे लेके आए थे पापा और मैं। और ये बलून के पैकेट हैं और ये तो ये मैं लाई थी अपने भाई के बर्थडे के लिए, बट उसने कोई डेकोरेशन नहीं करने दी क्योंकि ऑफिस ही नहीं गया, तो कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया। तो ये रखे थे, तो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं आज जन्माष्टमी पे। तो यहाँ पर पापा ने डेकोरेशन करना शुरू कर दी है और ये जो पीछे आप कर्टन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो बस हमने ये बलून्स भी फुला लिए हैं और लगा दिए हैं, बाकी फाइनल आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगी। तो कान्हा जी आएंगे आज, उनका जन्मदिवस है, तो हमने आज ये हार लगा दिए हैं बंदरवा पे। और ऐसा ही हमने एक यहाँ पर भी लगाया है और वो रहा हमारा मंदिर। तो हमने अपनी जो तैयारी थी ना वहाँ पर सजाने की, वो कर ली है, बस हमें रात को कान्हा जी को ही बैठाना है। हमारी यहाँ पर ये थाली भी तैयार हो गई है, तो अभी मैं आपको ना तभी दिखाऊंगी जब हम लोग पूजा करेंगे, तो आपको पूरा जो डेकोरेशन फाइनल है ना हमारा वो भी दिखाऊंगी। और मम्मी ने जो भोग के लिए बनाया है ना वो भी आपको सब दिखाऊंगी। तो आपको करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा वेट, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो, तो बस अभी हम लोगों की सारी तैयारी हो गई है और हमने जो प्रसाद था उसे भी जमा लिया है, तो पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा जो हमारा प्रसाद है, ये रहा चरणामृत, खीरा, पंजरी, माखन मिश्री, मखाने, ये है मावा की बर्फी, मैसूर पाक, रबड़ी, नारियल के लड्डू, पाक और ये अजवा और ये चिले। ये रहे हमारे किचन के ये
प्रसाद यहाँ पर भी। तो हमारी जो पूजा थी वो हो गई है और बस अभी हमने यहाँ से सब प्रसाद वगैरह उठाया, क्योंकि छिपकली का ना बहुत ज़्यादा डर रहता है कि पूरी नाइट नहीं छोड़ सकते। तो जो भी प्रसाद था ना उसको लिया और वापस से जिसमें रखे थे बॉक्स में सब वो सब रख दिया है और बस अभी प्रसाद लेंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पहले बाय कर दूँ, उसके बाद ना फिर मैं आराम से प्रसाद लूँगी। तो बस इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा आज का ये जो व्लॉग था ये अच्छा लगा होगा जन्माष्टमी का। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है पूजा, आप लोगों क्या कैसे होती है और हमारे यहाँ कैसी होती है, अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है बताइएगा। और हम लोग मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। और आपको करना है मेरे वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको करना है लाइक शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको करना है सब्सक्राइब। बस बाय।